हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एकदम टेस्टी सी नाश्ते की रेसिपी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये मूंग की दाल है, तो ये छिलके वाली है। तो इसको हमने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, तो अच्छे से भीग गई है। आप चाहें तो रात भर भी इसे भिगो के रख सकते हैं जब सुबह नाश्ता बनाना हो। तो इसका पानी हम पूरा निकाल देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 चम्मच दाल को अलग निकाल के रख लेंगे। तो 2 चम्मच हम साइड में रख लेंगे। उसके बाद मिक्सी का जार ले लेंगे और इसे सारी दाल को इसमें डाल देंगे जार में। और उसके बाद थोड़ा सा अदरक और 2-3 हरी मिर्ची इसमें डाल देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो हल्का सा मोटा ही रखेंगे इसको। तो ये आप देखिए, हल्का सा मोटा ही हमने रखा हुआ है, दरदरा सा। तो इसे बाउल में निकाल दिया है। उसके बाद हम, ये आप देखिए, हल्का सा मोटा है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 2-3 मिनट तक इसको ऐसे ही चम्मच से बढ़िया सा फेंट लेंगे, तो एकदम फुली फुली सी हो जाएगी ये। तो ऐसे ही करके और चलाते रहेंगे 2-3 मिनट तक। तो ये आप देखिए, एकदम बढ़िया सी फूल गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो दाल हम निकाल के रखे थे तो वो हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच बेसन और इसे भी अच्छे से फेंटते हुए और इसके साथ मिक्स कर लेंगे। तो ये जो दाल हमने निकाल के रखी हुई थी 2 चम्मच, तो ये जब हम नाश्ता बनाएंगे तो एकदम बहुत ही बढ़िया लगता है। जब ये मोटी मोटी सी दाल खाने में मुंह में आती है तो बहुत ही बढ़िया लगती है। तो ऐसे करके फेंटते हुए कुछ सेकंड के लिए और बढ़िया सा इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये बढ़िया सा मिक्स कर दिया, इसे साइड में रख लेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा हम ये मसाला बना लेंगे। तो 1/2 चम्मच हम सौंफ ले रहे हैं, 1/2 चम्मच ये साबुत धनिया है तो ये डाल देंगे इसमें, और 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे, 2 से 3 ये काली मिर्ची हैं तो ये डाल देंगे 3 से 4। और उसके बाद इसे दरदरा सा कूट लेंगे, तो ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा सा ही रखेंगे। तो ये आप देखिए, दरदरा सा कूट लिया है इसको, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे नाश्ते में। उसके बाद हम दाल ले लेंगे और इसमें 1 प्याज डाल देंगे बारीक कटा हुआ। तो आप चाहें तो लंबे लंबे पीसेस में भी कट कर सकते हैं प्याज को। उसके बाद हमने 1 आलू को ग्रेट किया है, तो कच्चा आलू है ये डाल देंगे, बहुत अच्छा लगता है ये नाश्ते में। उसके बाद जो मसाला हमने कूटा था वो डाल देंगे, थोड़ा सा 1 चुटकी हींग डाल देंगे और नमक डाल लेंगे स्वाद के अनुसार। उसके बाद 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल लेंगे, तो नमक और मिर्ची आप अपने हिसाब से रखिएगा। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, अच्छा कलर आ जाएगा। और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, तो आपके पास नींबू का रस हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, या फिर आप बगैर इसके भी बना सकते हैं। उसके बाद हम मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से, तो चम्मच हटा लेंगे और हाथ से बढ़िया सा इसे मिक्स कर लेंगे ऐसे करके। तो ऐसे ही बढ़िया सा मिक्स करते हुए, तो बहुत ही जल्दी बनता है ये नाश्ता और एकदम टेस्टी लगता है और एकदम हेल्दी है। तो आप इस नाश्ते को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो ये आप देखिए, बढ़िया सा मिक्स कर लिया हमने। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे नाश्ते को जैसे भी आपको पसंद हो वैसे आप इसे बना सकते हैं। तो आप चाहें तो ऐसे छोटे छोटे वो करके ऐसे करके और इसे तेल में डाल के बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा ऐसे भी। तो हम थोड़ा ज़्यादा सा निकाल के और इसको ऐसे गोल करने वाले हैं, तो ऐसे करके और हल्का सा इसे ऐसे चपटा कर देंगे और ऐसे ही बना लेंगे सबको। तो ऐसे ही तेल में डाल लेंगे इसको। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो इधर तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो एक एक करके डाल देते हैं। तो गैस को लो टू मीडियम पे रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। तो अच्छे से करारे से सेकने के लिए इसे धीरे धीरे सिकने देंगे अच्छे से करके। थोड़ा सा इसके ऊपर तेल डाल लेंगे, तो ऐसे ही चम्मच से गर्म तेल डालते रहेंगे थोड़ा सा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम इसको पलट लेंगे। तो ये आप देखिए, कितना बढ़िया सा कलर आ गया है। तो गैस को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करेंगे, नहीं तो ये बाहर से एकदम से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा।
तो ऐसे ही करके और धीरे धीरे सिकने देंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम पलट लेंगे। तो ये लास्ट में डाला था तो हल्का सा कलर नहीं आया है उसमें, तो उसके बाद फिर से हम पलट लेंगे। तो ऐसे ही करके अगर आपको ये नाश्ता थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये आप देखिए कितने करारे से बन गए हैं, तो दोनों साइड से दिखा रहे हैं हम, बिल्कुल करारे से सिक गए हैं। तो उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे, एकदम करारे से बन गया ये नाश्ता, तो थोड़ा सा साइड में रोक लेंगे और उसके बाद इसे निकाल लेंगे। और जो और हमारे पास बचा हुआ है उसको भी हम सेम ऐसे ही बना लेंगे। तो ये आप देखिए पूरा नाश्ता बन के हमारा तैयार हो गया है। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये नाश्ता कैसा लगा और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, तो वो ज़रूर बताइएगा। इसे सॉस चटनी या धनिया की चटनी हो उसके साथ आप खाइएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। थैंक यू।